दीजिएगा, अभी तक हमने फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कर लिया सर? कुछ पार्ट्स किए थे, यूनिट वाइज देख लिया, इसके बाद हमने कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस कर लिया, रिस्क ऑफ रिटर्न चैप्टर हमारा स्टार्ट है, जिसके अंदर हमने रिटर्न की बात करी। तो रिटर्न दो चीज़ों पे होता है सर, इक्विटी पे और डिबेंचर पे। और जितने बच्चे नए ज्वाइन हैं पहले प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, इक्विटी के ऊपर डिविडेंड हो सकता है और एक प्राइस चेंजिंग का हो सकता है, डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट हो सकता है, एक प्राइस चेंजेस, दो जगह से फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? इक्विटी, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, एफडी वगैरह, इनको फाइनेंशियल एसेट्स बोला जाता है। इसके बाद अगर हम आगे चले सर, आगे चलने के बाद क्या है सर, रिटर्न का फॉर्मूला क्या है जिसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं? इनकम पी जीरो पी वन माइनस में पी जीरो। इनकम क्या होता है सर? या तो डिविडेंड हो सकता है या इंटरेस्ट हो सकता है। पी वन क्या हो सकता है? जिस दिन बेचेंगे उस दिन का प्राइस। पी जीरो क्या होता है? जिस दिन खरीदा उस दिन का प्राइस, इसके बाद डिवाइडेड बाय पी जीरो रखेंगे। तो मैंने आज का प्राइस लिख दिया और ये सारी चीजें हमने देख लिया था। जो इनकम हमारा इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन कैसे आता है सर? यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल गेन कैसे होता है सर, पी वन माइनस में पी जीरो, इसी को हम कैपिटल गेन का फंडा बोलते हैं। ठीक है, मैंने नीचे लिख भी दिया है, ऑल्दो इसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, इसको कैपिटल गेन कहा जाता है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, यहाँ पे हमने तीनों चीजें निकाल के देख लिया था। फिर एक और क्वेश्चन देखा, इसके ऊपर भी हमने किया है। फिर रिटर्न निकालना सीखा, ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया 3.3। अब रिटर्न की बात करें, सिंगल इन्वेस्टमेंट की हम लेके चल रहे हैं, तो एक तो एवरेज रिटर्न हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। एवरेज रिटर्न के अंदर दो तरीके से हो सकते हैं, एक हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एवरेज रिटर्न के दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो आप मीन के फॉर्मेट में निकाल सकते हो और एक आप यानी अर्थमेटिक मीन और एक ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मेट में निकाल सकते हो सर। सर ज्योमेट्रिक मीन में क्या सिखाया था? सर ज्योमेट्रिक मीन में मैंने बताया था कि फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, जी एम इज इक्वल टू वन प्लस में आर वन प्लस प्लस नहीं वन प्लस आर टू और ये सो ऑन चलता जाएगा। ये था हमारा क्या, जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन, और लास्ट में इन सभी का जो भी रहेगा उसके ऊपर वन बाय एनथ जितना भी एन होगा और माइनस में वन, ये फॉर्मूला हमारा जीएम का था। मीन का सिंपल सा फॉर्मूला था सर, मीन का फॉर्मूला था आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय आपका एन जो भी आ जाता है। इसके बाद आगे हमने क्या देखा सर, कुछ ही क्वेश्चंस देखे हमने मीन को कैसे निकाला जाता है और मीन के क्वेश्चंस देखे। इसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चन विद डिविडेंड के साथ हमने देखा। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन को हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन के साथ साथ अगले पेज पे हमने इसको जीएम को भी कैलकुलेट करके देख लिया कि किस तरीके से जीएम निकलेगा और उसको सॉल्व किया। हाँ, पिछली क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस भी मैंने कर लिया था और एक जो पॉइंट्स का एरर आया था बच्चों ने बताया सर आप ले नहीं रहे वो पूरा पॉइंट, इसलिए नहीं आया, तो वो क्लियर हो गया था। चलिए आगे हमने एक ये भी क्वेश्चंस कर लिया ज्योमेट्रिक मीन का आपके बुक का 3.9। लास्ट क्लास हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, कैलकुलेटर पे थोड़े से पॉइंट देखे थे कि किस तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाएगा और आज हम करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब सर फ्यूचर वाले रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए फटाफट से। देखते हैं सर कहाँ गया नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना इनकम हो सकता है एक्सपेक्टेड, ये वाला पार्ट। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको पहले पुराने वीडियो करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको क्लियर हो पाएगा। यहाँ तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर है ये बता दीजिए फटाफट से, आगे बढ़ जाए हम। आज हम करेंगे कवर एक्सपेक्टेड रिटर्न और फिर कुछ रिस्क की भी बातें करेंगे। यस सर क्लियर है, तो चलिए आज आते हैं सर। अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद हम रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के फॉर्मूले की सर, अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में कितना होगा, और फ्यूचर का मतलब है सर प्रोबेबिलिटी। फ्यूचर का मतलब है आपका क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या निकालने का तरीका है, रिटर्न इनटू में प्रोबेबिलिटी और प्लस फिर से रिटर्न यानी आर वन कर लो, आर टू कर लो और इनटू में प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे साल का, प्लस रिटर्न जितना रिटर्न कमाएंगे और इनटू में जो प्रोबेबिलिटी है, यानी मान लो मेरा रिटर्न 10% है और मेरा प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल हम 20% कमा सकते हैं, तो उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा। सिंपल सा हमारा पॉइंट यहाँ आता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा, ये ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता, ऑल्दो आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन गिवन है। सर कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए क्या लाइन देता है आपको, इस बात को फोकस करिए, लाइन क्या देता है सर? यहाँ पे लाइन देता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। इससे पता चल जाएगा कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा, और एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये प्रोबेबिलिटी होता है ये पूरे के ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाया जाता है, जितना हमने पैसा कमाया है ना इस पूरे के ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू वन होता है, यानी 100% मान लो, यानी अगर परसेंटेज की बात करें तो 100%, मतलब ये पैसा 30% कमाने के चांसेस बनते हैं 40% और लॉस होने के दूसरे साल में चांसेस बनते हैं 40% और 50% प्रॉफिट रिटर्न कमाने के चांसेस बनते हैं 20%। तो हमें एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा अगर ये चांसेस लेके चल रहे हो, तो चांसेस अगर हम लेके चल रहे हैं तो वेरी वेरी सिंपल, क्या करेंगे सर, हम करेंगे रिटर्न और इनटू में प्रोबेबिलिटी जिसको वन पहले साल का दे दो, प्लस कर देंगे उसमें सर आर टू इंटू में प्रोबेबिलिटी नंबर टू और प्लस तीसरा है तो आर थ्री इंटू में प्रोबेबिलिटी नंबर थ्री। सर सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा 0.3 इंटू में 0.4, सॉरी 30 है, वो पहले से ही परसेंटेज में है, तो 30 इंटू में 0.4 प्लस माइनस टू 20 माइनस का, ठीक है इसको ब्रैकेट ऐसे कर लेते हैं, इनटू में 0.4 प्लस 50 इनटू में 0.2, ठीक है 0.2। बच्चों ने जवाब भी निकाल दिया सर, 14%, कैलकुलेटर कहाँ गया, एक एक करके निकाल लेते हैं, 30 इंटू में 0.4, 30 इंटू में 0.4 ये 12 हो गया, माइनस क्योंकि ये माइनस का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, 20 इंटू में 0.4 ये 8 हो गया, प्लस 50 इंटू में 0.2 10 हो गया, 10। इसको सॉल्व किया तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे आ सकता है 14%। सर एक्सपेक्टेड मतलब इतना पैसे कमाया जा सकता है, ये रिटर्न की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, एक या दो क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, हालांकि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सभी बच्चों ने जवाब भी दे दिया लगभग लगभग, वंशिका ने बता दिया सर, दिया ने बता दिया सर, सौरभ ने बता दिया कि ये होगा, क्लियर है। आगे बढ़ जाया जाए अगले पॉइंट पे, रिस्क पे चले, रिस्क पे आ जाए। यस चलिए आ जाओ, अब हम निकालना सीखेंगे, अब हम फाइंड करना सीखेंगे टोटल रिस्क, ठीक है ना। पहले तो बात कर रहे थे कि हम कितना पैसे कमाएंगे, कितना पैसे अर्निंग होगा, यानी हमने पैसे तो इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि कितना पैसे कमाए जाएंगे। अब क्या है, अब ये देख रहे हैं कि उसमें पैसे डालने में कितने परसेंट का रिस्क है, मतलब अगर मैं 100 रुपए लगाऊं तो मेरे कितने मैक्सिमम डूब सकते हैं,
अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूं सर, इन्वेस्टमेंट कितना करता हूं सर, 100 रुपए, और मेरा अगर रिस्क फैक्टर आ जाता है कि सर 10% या 12% डूब सकते हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि 100 रुपए में चांसेस बनता है कि मेरे 10 रुपए डूब जाए, लेकिन मैं 90% क्या हूं यहाँ पे, सेफ हूं, 90% चांसेस है कि मेरे पैसे नहीं डूबेंगे, 90% है। तो यहाँ पे अब हम निकालना सीखेंगे टोटल रिस्क। अब रिस्क दो हो सकते हैं, कि जो हमारे पास्ट इवेंट को हम देख के एक रिस्क निकालें, एक एक्सपेक्टेड यानी फ्यूचर इवेंट को करके करें। फ्यूचर में जब भी आएगा वहां प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाता है, फ्यूचर में जब भी आएगा वहां पे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, अगर रिस्क रिटर्न की आप बात कर रहे हो सर, तो रिस्क रिटर्न में क्या होगा सर, दो पार्ट्स इसके अंदर टोटल रिस्क की बात आ जाएगी। हम रिटर्न कर चुके हैं, इसके बाद रिस्क है, दो पार्ट आ जाएंगे सर। एक पार्ट आ जाएगा हमारा पास्ट बेसिस पे, पास्ट डेटा के बेसिस पे, पास्ट डेटा के बेसिस पे, और एक एक आ जाएगा हमारा फ्यूचर यानी एक्सपेक्टेड रिस्क। एक्सपेक्टेड रिस्क एक आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिस्क, चलिए साहब, एक आ गया एक्सपेक्टेड रिस्क। पास्ट रिस्क को निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करेंगे सर। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल जो होता है वो वेरियंस का स्क्वायर होता है, वेरियंस का स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना, हम आगे डिटेल में जाएंगे इसको लेके। सर सिंपल सी बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी कह दूं तो साहब ये होता है हमारा डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अगर मैं इसकी बात करूं, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो वैसे बहुत लेंदी होता है, एक्स एक्स बार ये सारी चीजें, लेकिन मैंने फॉर्मूला लिख दिया डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सर डेविएशन कैसे निकाला जाता है सर, यानी डेविएशन की बात करें, डेविएशन होता है हमारा जब हम क्या करते हैं, जब हम मीन में से यानी एक्स की बात कर लेते हैं, एक्स की बात कर लेते हैं सर, मैं एक्स रख रहा हूं ठीक है ना, एक्स में से हम माइनस कर देते हैं सर, क्या माइनस कर देते हैं, एक्स बार। अभी हम समझेंगे, एक बड़ा सिंपल सा डेटा लेके समझेंगे, प्रोबेबिलिटी गिवन इन द क्वेश्चन, हाँ गिवन होगा सर, कंडीशन मैं अभी, हाँ सम्बीशन साइन होता है ये भी बहुत सारे, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहा हूँ, बिल्कुल स्टैट्स पे नहीं चल रहा मैं भी, इस फॉर्मूले को धीरे धीरे और आगे लेके चलूंगा ठीक है ना, और आगे लेके चलूंगा, सिंपल सी बात है। बाकी अब हम जो ये वाला पॉइंट होता है ना, अभी मैं जब तक नहीं करा देता तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, वैसे तो एक्स होता ही नहीं, ये होता है हमारा रिटर्न, एक्स होता ही नहीं रिटर्न, यहाँ अब बच्चों ने बोला सम्बीशन का भी साइन होगा, बिल्कुल ये लो ये, हाँ ये वाला रह गया था, ये रह गया था ठीक है ना। तो डिया का कहना है सर स्टैंडर्ड का स्क्वायर नहीं होता, अभी आप रुक जाइए, मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस का रूट होता है, अभी रुक जाइए बस 5 मिनट दीजिए, क्योंकि मैं सारे फॉर्मूले जब मैं बोल दूं कि फॉर्मूले फाइनल हो गए तो उसके हिसाब से चलेंगे ठीक है ना। अच्छा हाँ ये कह रहे हैं कि बच्चे इसका स्क्वायर होता है, अभी रुक जाइए बस 5 मिनट, मैं कुछ डेटा बना लूं, डेटा के बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखा दूं, और वही जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वही हमारा क्या होगा एक्सपेक्टेड सॉरी रिस्क जो फाइनल करेंगे, रिस्क जो हम क्या करेंगे फाइनल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं वहां पे अप्लाई करके दिखाएंगे ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लेंगे वहां पे अप्लाई करके दिखाएंगे, ये वाले क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। 12 भी सेम क्वेश्चन हो गया हमारा, 13 पोर्टफोलियो से आ गया, 14 ये तो नॉर्मल हो गया, 5वां रिटर्न ये ठीक है, 15वां अब ध्यान दीजिए। अभी मैं एक बार क्वेश्चन करा दूं,
फिर आप खुद फॉर्मूला बना लोगे इसके, और जो इजिएस्ट से इजिएस्ट लिखने में होगा वो करेंगे। ये दे रखा है हमें सर रिटर्न, ये क्या दे रखा है हमें रिटर्न। सबसे पहले अगर मुझे मीन निकालना हो, अगर मुझे मीन निकालना हो, मीन को हम ऐसे करेंगे, लेकिन यहां पे हम ऐसे भी कह सकते हैं आर के ऊपर बार, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। अगर हम मीन निकालते हैं तो इसको आर के ऊपर बार भी कहा जा सकता है। तो सर इसका मीन अगर निकाले तो मीन कैसे निकालोगे सर? मीन होता है हमारा जितने भी डेटा होता है सबका टोटल, यानी रिटर्न वन प्लस रिटर्न टू प्लस रिटर्न थ्री और जितने भी जाएंगे उसके बाद डिवाइडेड बाय एन। पहले तो हम डेटा बना लेते हैं इसको, पहले डेटा बना ले। ईयर यहां पे रिटर्न, यहां पे एक्सपायर, डेविएशन निकाल, चलिए ईयर की बात कर सर कितने साल हैं? 10 साल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 साल, ठीक है। इसके बाद हम रिटर्न की बात करते हैं, इसको आर से डिनोट कर देंगे और मैं आर ही रखता हूँ। चलो मैं फॉर्मूले के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं सोचा स्टेट्स के फॉर्मूले ले लूँ, मैं आपके एफ ओ फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट का ही बात करता हूँ। रिटर्न तो रिटर्न दे रखा है आपको, जिसको मैं लिख देता हूँ, चलो इसको लिख देता हूँ। ये आपको समझना होगा ना, तो एक्स से समझ सकते हो एक तरीके से, जो आप स्टेट्स में करते हो, 10, 12, 8, 10, 13, 7, 5, 8 और 12, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे निकालना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे D, फिर D स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या निकाल लेते हैं? D, डेविएशन, ठीक है ना। D सर, D कैसे निकलेगा सर? D इज इक्वल टू हम क्या करेंगे सर, कि जो भी हमारा X है R माइनस में R बार, ये कर देंगे D। सर R बार कैसे निकलेगा? R बार निकालने का तरीका, यानी मीन निकालने का तरीका ये है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मीन, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो इनको टोटल करना होगा सर। कैसे सर? 10 + 12 + 8 + 5 + 10 + 13 + 7 + 5 + 8 + 12 / n, यानी कितने हैं? 10 है। तो एक बार निकालते हैं 10। अभी उस फॉर्मूले को रहने दो, अभी हम आगे बढ़ जाएं। पहले एक बार फॉर्मूले को बढ़ने दो, मैं अभी पहले मेरा फोकस इस कॉन्सेप्ट पे, मैं उसको कर दूंगा। वो फॉर्मूला तो वैसे भी मुझे नहीं लिखना, मैं अपने अकॉर्डिंग सारा फॉर्मूला लिख के चलूंगा, ठीक है ना। अब यहां पर निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं कितने हो जाएंगे सर? 10 + 12 + 8 + 5 + 10 + 13 + 7 + 5 + 8 + 12, ये हो गया 90 divided by 10, तो 9 आ गया। यानी अगर D को हमें निकालना है तो D इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? R माइनस में R बार, और R बार हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 9, दैट इज 9। अब अगर R बार हमारा यानी मीन 9 है तो पहले माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 12 गया 2, अब सॉरी 10 में से 9 गया 1, 12 में से 9 गए 12 में से 9 गए 3 12 में से 9 गए 3 आपको क्या करना है? इस वाले रो में से आपको हर बार किससे माइनस करना है सर? 9 से माइनस करना है मीन से। फिर अब हम क्या करेंगे? 8 में से 9 गए तो -1, 5 में से 1 गया, 5 में से 9 गए -4, 10 में से 1, 13 में से 9 गए 9 और 4 13, 7 में से गए तो -2,
पांच में से गए तो माइनस चार, आठ में से गया माइनस वन, और इसमें से गया तो माइनस सॉरी प्लस का तीन रहेगा, प्लस का क्या रहेगा तीन, ठीक है ना। ये क्या निकल गया हमारा सर डी। अब क्या करना होगा सर हमें डी का स्क्वायर, अब क्या करना होगा साहब डी का स्क्वायर। सर डी का स्क्वायर कैसे होगा सर, वन का स्क्वायर करो वन, थ्री का स्क्वायर करो थ्री, एक का स्क्वायर करोगे एक, डी यानी ये डी निकला डी का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर करोगे सिक्सटीन। अब जो माइनस माइनस होगा जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका टोटल हमेशा जीरो होना चाहिए, इसका टोटल हमेशा जीरो होना चाहिए, करके देख लीजिए। तीन और एक चार, माइनस चार माइनस हो गया, चार और दो छः, तीन और दो छः, तो आप देखेंगे तो इसका टोटल हमेशा जीरो ही होता है। तो हम स्टेट्स पे नहीं जा रहे, पहले मैं एक बार कर लूँ फिर मैं सारे के सारे आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका वन, इसका होगा सिक्सटीन, इसका होगा फोर, इसका होगा हमारा फोर 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 सिक्सटीन, इसका होगा हमारा वन, और इसका होगा हमारा नाइन। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया डी स्क्वायर, और ये क्या था हमारा, ये था हमारा मीन, ये क्या था हमारा मीन यानी आर। अब हमें क्या निकालना है सर, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट टोटल रिस्क, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट टोटल रिस्क निकालना है। टोटल रिस्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो आपका ये दे रखा है डेविएशन, जो डेविएशन दे रखा है, यानी मैं एस डी निकालूंगा, एस डी जो निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं क्या करूंगा सर डी का स्क्वायर करूंगा, पहले डी का स्क्वायर, और डी का स्क्वायर का क्या सम, इसका टोटल करो, डी का स्क्वायर का सम करो, डी का स्क्वायर का सम करते हैं, वन प्लस में थ्री प्लस में वन प्लस में सिक्सटीन प्लस में वन प्लस में सिक्सटीन प्लस में फोर प्लस में सोलह प्लस में वन प्लस में और वन प्लस में नाइन सिक्सटी एट, गलत तो आ गया टोटल, एक तीन एक सोलह एक सोलह चार सोलह और एक और प्लस नौ अड़सठ, कोई रह गया क्या तीन, अच्छा इसका मैंने स्क्वायर गलत कर दिया, ये तीन थोड़ी है, ये तो नौ होगा ना, नौ तो प्लस छः, तो ये चौहत्तर आ गया, चौहत्तर आ गया, चौहत्तर। पहले यहाँ तक देखिए, डी स्क्वायर 74 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे सर, डिवाइडेड बाय करेंगे हम n, डिवाइडेड बाय करेंगे n कह लो, या डिवाइडेड बाय n नहीं कहते, डिवाइडेड बाय n, फिर उसका रूट करेंगे। अरे ओहो चला गया, चलो दोबारा लिख लेते हैं। यानी एस डी क्या आ रहा है सर, ये क्वेश्चंस के आगे कर रहा हूँ, एस डी क्या आ रहा है सर, D का हम करेंगे स्क्वायर, पहले तो ये हो गया D का स्क्वायर एक है, लेकिन हमें इसका टोटल लेना है, तो टोटल के लिए ना हम एक ऐसे सिंबल लगाते हैं जिसे सम का सिंबल बोलते हैं, तो ये हो गया टोटल कर दो D का स्क्वायर निकाल के, उसको डिवाइड किससे कर दो सर, उसको डिवाइड N से कर दो। N क्या होता है, कितने नंबर दे रखे हैं उसको क्या बोलते हैं N, और फिर इसका रूट निकाल दो, तो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। हालांकि फॉर्मूले के अंदर बहुत सारी चीजें, फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसे गिवन होगा आपको बुक्स वगैरह में, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आपका होगा आर, बुक के भी फॉर्मूले लिख देते हैं, माइनस में आर बार का उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका एन, फिर इसका सम, ओहो आर माइनस में आर बार स्क्वायर, फिर इसके आगे सम डिवाइडेड बाय एन, फिर ऐसे रूट, कुछ ऐसा लेंथी सा फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, जो कि मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर कहीं सी बुक में एक से भी डिवाइड करते हैं वाई, सर माइनस वन से भी डिवाइड करते हैं, सौरभ माइनस वन से डिवाइड नहीं, एन माइनस वन अभी आएंगे, वो वाली चीजें छोड़ दो, एनी रीजन माइनस वन नहीं, वो रूट निकालने के लिए, या फिर उसको जब माइनस वन तब करते हैं जब वन बाय एन होता है। अभी आप फिलहाल इसको देखिए, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे सर, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या आ गया 74, तो ये आ गया। अब बताइए 74 क्या है सर, 74 सर ये टोटल है, यानी आपका सिग्मा डी स्क्वायर, सम डी स्क्वायर, एन क्या है हमारा सर, एन हमारा 10 है। अब इसका रूट कर दो आप, अगर एस डी निकालेंगे तो सर एस डी क्या होगा सर, एस डी होगा 74 डिवाइडेड बाई 10, इनका रूट
तो ये आ गया 2.2720%। यानी सर इसका मतलब अगर आपकी बात करें, पहले साल में 10% रिटर्न कमाते हैं, फिर 12% रिटर्न कमाते हैं, फिर 8% रिटर्न कमाते हैं, फिर 5% रिटर्न कमाते हैं, 10% और ऐसे रिटर्न कमाते जाएं, और ऐसे रिटर्न अगर आप कमाते हैं तो हमारा इतने रिटर्न कमाने के लिए आपको मात्र रिस्क जो लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा 2.720। एक सवाल का मेरा जवाब देना, ये तो हो गया रिस्क। आप क्या मुझे बता सकते हो कि एवरेज रिटर्न कितना है यहाँ? क्या बता सकते हो कि एवरेज रिटर्न कितना है? सर हाँ सर बता सकते हैं, एवरेज रिटर्न बताया तो है, और कितनी बार बताएंगे एवरेज रिटर्न? एवरेज रिटर्न सर हमारा कितना है? 9%। मीन को ही तो कहते हैं एवरेज रिटर्न, हमने सीखा था पहले कि मीन को क्या कहते हैं, एवरेज रिटर्न जो कि निकाला है। यानी 9% अगर आपको पैसा कमाना है तो वहां पर रिस्क लगता है मुझे कि 2.72% मेरा पैसा डूब भी सकता है, वहां पर चांसेस बनते हैं 9% कमाने का। तो ये हो गया हमारा रिस्क को कैलकुलेट करना। आप बोल सकते हो सर ज्योमेट्रिक मीन से कुछ और आएगा, हाँ तो वो कुछ और आएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अब हम पीछे आ जाते हैं सर, पीछे बहुत बच्चों की बड़ी सारी दिक्कतें और बहुत सारे सवाल थे जिसको पीछे को हम आगे लेके आते हैं। पीछे से लेकर वो कह रहे थे सर ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसको x की जगह पे मैं कर दूं n, ठीक है। अब बताइए मेरे फॉर्मूले में क्या दिक्कत है? ये नहीं, ये नहीं, और वो तो स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है, उस पर मत जाइए। sd मैंने लिख दिया उसके जगह पे, उसके जगह पे क्या लिख दिया? sd लिख दिया, वेरियंस लिख दिया, उस स्टेट्स के वर्ड है, इससे आपको कुछ ज्यादा लेना देना भी नहीं है। आप देखिए मैंने ये फॉर्मूला बनाया, कई बार आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो बुक में देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको r रिटर्न माइनस में r, इसको बोलते हैं मीन, और फिर हम इसको करेंगे क्या, सम कर देंगे, और सम किसका करेंगे सर? इसके स्क्वायर का सम कर देंगे, और डिविजिबल बाय क्या कर देंगे सर? डिविजिबल बाय हम करेंगे n, n है ये, x मत मान लेना, n है, फिर इसका रूट करेंगे, ठीक है ना, वेरियंस का रूट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको किताब में मिलेगा, उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा शॉर्ट करके कर दिया, और डी कैसे निकाला जाता है ये कर दिया। चलो डी के जगह पे जहां मैंने एक्स लिखा है उसको मैं कर देता हूं आर माइनस में मीन, आर का मतलब जो भी एवरेज निकलेगा वो। अब बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? थोड़ा सा देखो स्टैटिक्स का पार्ट्स आ रहा है तो आप बिल्कुल कोर स्टैटिक्स में मत जाइएगा, क्योंकि काफी सारे चीजें स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा जाता है। जैसे कि हमने सीखा मीन निकालना है, हालांकि वो मीन नहीं है, वो है एवरेज रिटर्न, लेकिन जो वो एवरेज रिटर्न निकाला जाता वो सही रिटर्न नहीं होता, तो हम उसके लिए गए थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीन में। तो जीएम जो निकाला वो भी हमारा एवरेज रिटर्न है, लेकिन बोल सकते हैं मेथड टू बोल दो उसको, तो क्योंकि स्टेट्स में सेम पढ़ा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा स्टेट्स का आ गया। फिर हमने क्या देखा सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसमें अंदर क्या करा हमने, रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दिया किससे सर, उसके प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है वो आपने स्टेट्स में भी और मैथ्स में भी देखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने को नहीं आएगा। इसके बाद हमने सीखा रिस्क निकालना, तो डेविएशन मतलब क्या होता है, वेरियंस, वेरियंस मतलब चेंजेस, चेंजेस का मतलब क्या होता है हमारा रिस्क, कितना रिस्क है, कितने चेंज हो सकते हैं, तो वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब मैं इसके अंदर जैसे मेरे अभी जो क्वेश्चंस किया उसके अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने जो अभी करा था उसके अंदर क्या किया था कि मैंने 9% रिटर्न कमाना था, उसके लिए 2.5% का रिस्क है, तो हाँ जा सकता हूँ, गो विद द इन्वेस्टमेंट के मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन रिस्क 25% और रिटर्न आने के चांसेस 10%। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि जैसे कि शेयर बाजार में पैसे लगाना है, पेटीएम का आपने सुना होगा न्यूज, पेटीएम को बैन कर दिया गया है फरवरी तक है, तो पेटीएम के अंदर आपका रिस्क कितना है सर? मान लेते हैं अभी शेयर्स का प्राइस जो है वो 400 रुपए का है, शेयर्स का प्राइस 400 से नीचे भी गया था इनफैक्ट, तो 400 रुपए का शेयर का प्राइस है। अब इसके चांसेस बनते हैं कि आरबीआई ने अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली सारी चीजें बैन कर दिए तो 400 से ये 200 भी हो सकता है,
बहुत जल्दी मैंने देखे हैं प्राइसेस को, ये ना 800-900 से आए, तो 200 से भी बन सकता है, तो रिस्क कितना हो गया 100%। और ये 400 से हम सोच रहे हैं 500 हो जाए तो हमारा मजा आ जाएगा, तो रिटर्न कितना है कम है, तो वहां पे कभी मत काम करना जहां रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न कम होता है। शेयर बाजार का एक ही फंडा है कि जहां पे रिटर्न ज्यादा हो रिस्क कम हो वहां इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर अपना जो इन्वेस्टमेंट को लूज करते हैं, रिस्क ज्यादा ले लेते हैं और रिटर्न कम सोचते हैं, और एक फॉर्मूला फंडामेंटल लगा लेते हैं, सर मोर देन रिस्क मोर देन गेन, तो ऐसा कुछ नहीं होता भैया, दिमाग लगा के चलो, वो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं अगर आपको पेटीएम, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पेटीएम का शेयर दिखा लेता हूँ, अब तो पेटीएम का नाम भी पाई कर दिया है शायद, पेटीएम, इसके ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी सारी, ये तो पूरा ये खुल गया शेयर इसको। अब वैसे पेटीएम का शेयर 97 कम्युनिकेशन के नाम से, अब देखिए 416 रुपये। अब इसके 5 दिन के ग्राफ को देखिए क्या हुआ इसके साथ, 440 रुपये, इतना डिप आ गया था अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि मेरे पास इतना देखो कितना नीचे तक जा चुका था 5 दिन में, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर डिप लगाने की तैयारी कर रहा है ये। अगर मैं इसका मैक्सिमम लो और हाई की बात करूं तो देखो लो इतना गया था, ये मैक्सिमम कितना लो गया भाई, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, कोई और चार्ट खोल लें इसका। हाँ बजिंग स्टॉक, पेटीएम, टाटा, ये सब तो पता नहीं क्या बता रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सही से दिख जाए। अब देखिए आज ये 411 और 435, मैं अगर आपको इसके हालात बताऊं ना, थोड़ा सा चार्ट दिख जाए मुझे, ये रहा चार्ट दिख गया, मैं ज्यादा नहीं 5 से 6 दिन का आपको चार्ट बताता हूँ, एडवांस चार्ट में चलते हैं ठीक है चार्ट। अरे खुल जाओ भाई, अलाउट कर दिया, चलो बचता रहेगा। अब हम थोड़े से चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं, हम 1 महीने की चार्ट देखते हैं ठीक है। अब 1 महीने की चार्ट में आप देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे देखोगे ना रेट आएगा, देखना मैं यहाँ पे रेट आएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, अरे भाई रेट आ जाओ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ 728 रुपये का था 728, अगर मैं यहाँ की बात करूँ भाई, प्राइस कहाँ दिख रहा है, 97, बट वो छोड़िए अभी नहीं दिख रहा, ये 700 750 का था, जैसे ही आरबीआई का न्यूज आया ना, आरबीआई का न्यूज आया तो ये एकदम से 700 से ना सीधा सीधा ऐसे डिप मार रहा है, देखो ये फिर थोड़ा मतलब के सर्किट ही नहीं खुला, फिर डिप मारा, मैं शेयर जब आएगा ना हमारा म्यूचुअल फंड, फिर सर्किट मारा, फिर डिप चला, फिर थोड़ा सा बढ़ा, अब मैं सोच लेता कि ये शेयर इतना गिर गया है यार, अब इतना गिर गया है, अगर मेरा इतना भी वापस उठ जाए ये तो मेरे तो पैसे बन जाएंगे, तो यहाँ पे रिस्क देखो कितना है, इतना है आपका, लेकिन पैसे बनाने के चांसेस कितने हैं ये हैं, तो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यही फंडामेंटल है हमारे इन्वेस्टमेंट का। अगर आपका मान लो इस पॉइंट पे हो, अभी भी नहीं कह सकते कि कितना नीचे जाएगा, हो सकता है बहुत नीचे चले जाए, तो ये हमारे क्या है सर, फंडामेंटल्स हैं कि जहां पे रिटर्न ज्यादा होंगे वहीं पे हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क मिनिमम हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो लूज करता है उसका रिस्क बड़ा ही क्या होता है, ज्यादा ले लेते हैं और रिटर्न कम होते हैं। मैं ये भी बता दूंगा कहाँ कहाँ से, अब ये देखो नोटिफिकेशन लगाया क्या क्या आ गया, मैं ये भी बता दूंगा कहाँ से शेयर बाजार में थोड़े थोड़े आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो मैं सिर्फ सीखने के पर्पज से, देखो विदाउट पैसे लगाए आप कुछ नहीं सीख सकते, मेरा ये सिंपल सा फंडा मानना है। मैंने शेयर मार्केट को सीखा जब मैंने कुछ पैसे इसमें डुबाए, तो कॉलेज में जब आप एडमिशन लोगे यानी आप जब स्टॉक मार्केट में जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो पैसे गंवाने पड़ेंगे, भले ही 1,000 2,000 5,000, लेकिन आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए सब कुछ गंवा दे, सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, और शेयर बाजार में जो गया है उसको लॉस लगा ही लगा है और लॉस से सीखा है, मेरे मुझे इतने टाइम काम करते हुए होते हुए भी मुझे तब भी लॉस हुआ है शेयर बाजार के अंदर काफी, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा या फिर मैं शेयर मार्केट में देखूंगा 3 बजे तक वहीं देखूंगा नोट्स कितना, तो मेरा अपना बिजनेस हैम्पर हो जाता है, तो उस वजह से मैंने उसको क्विट कर दिया। लेकिन हाँ समय समय पे जैसे पेटीएम है, तो पेटीएम का अगर मैं फंडामेंटल देखूं तो बस आरबीआई ने बैन करने से नीचे चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं आप सभी के फोन में भी पेटीएम होगा, तो पेटीएम इतने सारे यूजर्स है तो एकदम से कोलैप्स नहीं हो सकता, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव निकालेंगे और कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल के फिर से ऊपर जाएगा पेटीएम का शेयर, लेकिन कितने नीचे से ऊपर जाएगा वो कोई भी नहीं जानता है सर। रिस्क 8% और रिटर्न 9 हो तो
रिस्क 8% है और रिटर्न 9% है, तो मैं तो नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इक्वल रिस्क और रिटर्न है, तो मुझे नहीं लगता। मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करूंगा सर, रिस्क जो है वो मान लेते हैं 2% 5% और रिटर्न 20% के बराबर हो तो मैं जाना चाहूंगा। अभी मैं सिंपल से बात करता हूँ, देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि अब जो गवर्नमेंट आएगी सारा का सारा डिपेंड करेगा बीजेपी के ऊपर। जो गवर्नमेंट आएगी बीजेपी के आने आते ही शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं देखते हो कि बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जिसको माना जाता है कनेक्टेड है, क्योंकि ये इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, टाटा हो गया, तो आपके बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं। अब आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि नेक्स्ट जो 5 ईयर का टेन्योर होगा उसमें उनके विजन क्या है, उनके विजन क्या है, क्योंकि इस वाले टेन्योर में क्या विजन था, अगले में क्या विजन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पीच के अंदर क्लियर कर देंगे। कहीं ना कहीं उनके जब मैनिफेस्टो आएगा ना अभी कि हम अगली बार ये विजन कर रहे हैं और ये हम करके ही रहेंगे, तो उससे रिलेटेड शेयर में पैसे लगाओगे वो शेयर बड़ी स्पीडली से भागेगा। जैसे उनका विजन होगा कि अगली बार हम 100% ट्रेन को ऐसा कर देंगे जहां पे एक भी पैसेंजर को वेटिंग नहीं मिलेगा, ऐसे सिचुएशन में अब IRCT जो ट्रेन है टिकट वाला वो एकदम से बाउंस हो जाएगा, एकदम से चल पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज के ऊपर फ्लो गया है बहुत सारी चीजें ना वहां पे। अब IRCTC जैसे शेयर्स में आपके रिस्क के चांसेस बड़े ही कम है, मिनिमम है, क्योंकि इंडिया के अंदर रेलवे कभी बंद नहीं हो सकता, तो बड़े कम है। अब ऐसे ही आप बहुत सारे कंपनीज ले सकते हो जिसके अंदर रिस्क का चांस बहुत कम होता है, जैसे MRF टायर हो गया, या फिर आप मान के चलो स्टील का सेक्टर हो गया जो कि अपने अकेले में है। तो कुछ है, इस तरीके से मैं शेयर्स भी बताऊंगा। अभी सिर्फ आप चैप्टर पे फोकस करिए, जैसे जैसे टाइम आएगा तो हम थोड़ा कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खोलता है, खोल के और फिर मैं लाइव बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे कर भी सकते हो। इसका रीजन क्यों है, क्यों नीचे गया, वेरी सिंपल। RBI ने कहा कि जो आप पेटीएम वॉलेट है ना अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप लोगों के पैसे पेटीएम वॉलेट में नहीं रख सकते। दूसरा, आप अपना पेटीएम बैंक भी नहीं रख सकते, इन दोनों को बैन कर दिया। और पेटीएम का मेन कॉन्सेप्ट ही था कि वॉलेट के अंदर पैसे रखो, कहीं भी पेमेंट कर दो, तो दुकान पे भी जब भी बोलते UPI रखो, बाकी आपका उनका बैन कर दिया। इसलिए पेटीएम के मेन बिजनेस को उन्होंने कोलैप्स कर दिया और इस वजह से शेयर बहुत तेजी से नीचे आया। आज भी नीचे था और अभी आने वाले टाइम में ऊपर नीचे चलता रहेगा। सर आपका पोर्टफोलियो में कितने कंपनी का? मैंने कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया हुआ फिलहाल, क्योंकि मैं उसकी तरफ फोकस ही नहीं करता। उससे बेटर मेरे को ऑप्शन लगता है कि आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करिए, लाइक प्रॉपर्टी वगैरह में, उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हर जगह रिस्क है भाई, प्रॉपर्टी में बहुत लोग लगा के गवा चुके हैं। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, IPO के अंदर अब पैसे लगाओगे तो डेफिनेटली बनेगा, कुछ अच्छे IPO आएंगे तो मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, चलो आज तो इसी में चला गया हमारा टाइम ज्यादा, तो पहले सबसे पहले आ जाइए, हम क्या पढ़ रहे थे सर, ये इसके साथ मैंने क्वेश्चंस के नीचे ले जाता हूँ, आ जाइए नीचे। ठीक है, 16 में क्या कहता है सर? 16 में कहता है सर एक्सपेक्टेड रिटर्न का भी देख लेंगे, बस प्रोबेबिलिटी से हमें मल्टीप्लाई करना है, उसका देख लेते हैं। आ जाइए, कुछ एक क्वेश्चंस और मिल जाए मुझे, होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मैं देना चाहूंगा, होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन है सर। अब परचेज अ बॉन्ड प्राइस कितने का है, कूपन रेट इतने का, एक ये क्वेश्चन 2 होमवर्क में। होपफुली आपने बुक ले लिया हो, पुराना एडिशन मिल रहा है। 2 के बाद 1 में कहता है कि हमारा जो है त्रिवेदी परचेज इक्विटी शेयर ₹220, ये भी होमवर्क में रहेगा आपका। ये पुराने यील्ड वाले क्वेश्चंस थे ना, वो 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए। 6 मंथ 0 कूपन इसको रहने देते हैं, ये तो हो गया हमारे। इसमें आप देखो पोर्टफोलियो ये आ गया, बैड एवरेज गुड, इस पोर्टफोलियो को अगली क्लास में ही कवर कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। शेयर प्राइस और डिविडेंड दे रखा है आपको, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर,
ये आपका एक, ये भी होमवर्क में देते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी दे रखा है, शेयर का प्राइस दे रखा है और डिविडेंड दे रखा है, ठीक है ना। तो डिविडेंड आपका क्या हो गया सर, रिटर्न हो गया, शेयर्स का प्राइस पे रिटर्न हो गया। तो अब रिटर्न, इसके ऊपर पहले तो आपको परसेंटेज निकालना होगा, भैया कितना परसेंट कमा रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके रखिएगा। ये भी होमवर्क है, सॉल्यूशन में डाल दूंगा। ये तो हो गया ब्लूम वगैरह, ये सब, ये हो गया आर एफ, प्रोबेबिलिटी कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पे भी पोर्टफोलियो की बात आ गई, और हाँ ये वाला होमवर्क में रहेगा जो आज सीखा है। आपको प्रोबेबिलिटी दे रखा है, एक्स का रिटर्न मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरीके से आप क्या करोगे, वाई का रिटर्न को भी मल्टीप्लाई कर। इसके बाद ये भी नहीं करना, कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ आज करने के लिए। ये तो अभी आगे आ जाएगा हमारा, सिक्योरिटी हुज एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड अमाउंट इन्वेस्टेड एज फॉलो, एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का आ गया ना। ये हमारे दो तीन सिक्योरिटी आ गए, 11 11 11 11 11 11, अभी ये भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो वाला अगली क्लास में ही देख लेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी बी, रिस्क इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी ए बी, ये अभी नहीं करेंगे सर। प्रोबेबिलिटी एक्स, प्रोबेबिलिटी वाई, ये भी नहीं करेंगे। कल होमवर्क वाले सारे क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, कैलकुलेट द बीटा, अभी बीटा पे आए ही नहीं। तो वेरी वेरी सिंपल कि अभी तक हमने जो किया है सिर्फ उसके क्वेश्चंस कर लीजिए। अब बताइए मुझे, कितने बच्चों ने बुक ले लिया और कितनों ने नहीं लिया, कितने बच्चों ने बुक ले लिया है ये बताइए। सभी बच्चों के पास बुक है अभी या फिर बुक नहीं लिया है, बताइएगा। सभी बच्चों के पास बुक है या नहीं लिया है, तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा बुक ले लीजिए, बेटर रहेगा। सर कहाँ तक क्वेश्चन हो गए हैं इसके, मैंने हालांकि शुरू के 9 क्वेश्चंस पूरे कराए हैं, फिर बीच में मैंने जंप करके सीधा क्वेश्चन 15 कराया है, अगली क्लास में मैं कंटिन्यू क्वेश्चन कराऊंगा। कहना बुक नहीं सर, नहीं सर, नहीं, आप बुक ले लीजिए, मैंने बुक दिखा भी दिया आपको, वनीता त्रिपाठी है बुक का नाम, और सेकंड हैंड मिल जाए। आप अगर डीयू में पढ़ते हैं तो डीयू के अंदर देखेंगे बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, कमला मार्केट में, तो कमला नगर है, कमला मार्केट है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे सेकंड हैंड बुक मिल जाएगा, आप उसको बाय कर लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आपका ये चीज़ें आप सोचेंगे ना कि सर ये वेस्ट ऑफ मनी है, नहीं, हमेशा काम आएगी ये बुक, क्योंकि कभी ना कभी आपका इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एमबीए वगैरह में काम आएगा, तो यही बेस मानना पड़ेगा आप। वंशिका का कहना है सर मैंने ले लिया है। निधि चौधरी कहती है सर पीडीएफ, मैं समझा नहीं निधि, पीडीएफ क्या कह रहे हैं आप, पर निखिल चौधरी पीडीएफ मुझे सेंड कर दो। वाह भाई वाह, अब किसने कहा सर आरपी रस्तोगी ली है, एक बार सौरभ आप आरपी रस्तोगी का फ्रंट भेजना, मैं उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर फ्रंट पेज जो है ना, जो कंप्लेंट वाला नंबर है उस पर भेजना आप। हाँ ऑनलाइन मिल रही है त्रिपाठी की बुक, तृप्ति का कहना है कि ऑनलाइन मिल रही है, हाँ बिल्कुल मिल रही है। तो आज की क्लास हम यहीं थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अगली क्लास में मैक्सिमम पार्ट करेंगे।